अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आए हैं साथ उल्टी और दस्त के घरेलू उपचार। चलो आपको ये उल्टी और दस्त के घरेलू उपचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम नए नए वीडियो बना सकें और नए नए वीडियो आपके मोबाइल में पहुंचा सकें। तो चलो शुरू करते हैं उपचार। घर के किसी भी छोटे बड़े सदस्यों को उल्टी एवं दस्त किसी भी वजह से हो सकते हैं, जिनमें से बदहजमी सबसे मुख्य है। कभी कभी सर्दी या गर्मी लगने, दूषित खान पान से भी उल्टी और दस्त की समस्या हो जाती है। नंबर एक, उल्टी होने पर नींबू का रस पानी में घोलकर लेने से सिंगर घी फायदा होता है। नंबर दो, आप एक दो लौंग, दालचीनी या इलायची मुंह में रख कर चूसिए। यह मसाले उल्टियों विरोधक औषधियों होने के कारण उल्टियाँ रोकने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। नंबर तीन, तुलसी के पत्तों का एक चम्मच रस शहद के साथ लेने से उल्टी में लाभ मिलता है। नंबर चार, एक चम्मच प्याज का रस पीने से भी उल्टी में लाभ मिलता है। नंबर पाँच, गर्मियों में यदि बार बार उल्टी आती है तो बर्फ से चूसनी चाहिए। नंबर छः, पुदीने के रस को लेने से भी उल्टी में लाभ मिलता है। नंबर सात, धनिया के पत्तों और अनार के रस को थोड़ी थोड़ी देर के बाद बारी बारी से पीने से भी उल्टी रुक जाती है। नंबर आठ, एक या चार चम्मच सोठे एक चम्मच शहद के साथ लेने से उल्टी में सिंगर आराम मिलता है। नंबर नौ, नींबू का टुकड़ा काले नमक के साथ अपने मुंह में रखने से आपको उल्टी महसूस नहीं होती है, रुक जाती है। नंबर दस, आधा चम्मच पीसे हुए जीरे का पानी के साथ सेवन करने से उल्टियों से सिंगर छुटकारा मिलता है। नंबर ग्यारह, एक गिलास पानी में एक चम्मच एप्पल का सिरका डालकर पिए उल्टी में तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 12, उल्टियों होने से 12 घंटों बाद तक ठोस आहार का सेवन ना करें, लेकिन भरपूर मात्रा में पानी और फलों के रस का सेवन करते रहें। नंबर 13, तेलिया मसालेदार भारी और मुश्किलें से बचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, इससे भी उल्टियां आती हैं। नंबर 14, पित्त की उल्टी होने पर शहद और दालचीनी मिलाकर चाटे। नंबर 15, हरार को पीसकर शहद के साथ मिलाकर चटने से उल्टी बंद होती हैं। नंबर 16, खाना खाने के तुरंत बाद ना सोए खाने के बाद टहलने की आदत डाले। जब भी सोए तो अपनी दाहिने बाजू पर सोए, इससे आपके पेट की बदहजमी मुंह तक नहीं आएगी। मुरब्बा और पके केले का सेवन करें, दस्त में तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 21, दस्त आने पर अदरक के टुकड़े को चूसे या अदरक की चाय पिए, पेट की मेड़ों भी संत होती है और दस्त में भी आराम मिलता है। नंबर 22, दस्त रोकने के लिए चावल के माड़ में हल्का नमक और काली मिर्च डालकर उसका सेवन करें, दस्त रुक जाएगी। नंबर 23, जामुन के पेड़ के पत्तियों पीस कर उसमें आधा नमक मिलाकर एक या चार चम्मच दिन में दो बार लेने से दस्त रुक जाते हैं। नंबर 24, दस्त आने पर दूध और उससे बने हुए चीज़ों का सेवन कतई भी ना करें। नंबर 25, दस्त आने पर दस्त के साथ शरीर के खनिजों का पदार्थ बाहर निकलते हैं, इनकी कमी पूरी करने के लिए ORS का घोल पिए। और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि नए नए वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन बजे। तो आज हम इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, टाटा बाय।